अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक करने लगे हैं फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस को पहले हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस को समझ सकें। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या डिफरेंस है? अ बॉडी इज सेट टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इफ इट्स ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें हमें जो चीज़ समझने वाली है वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर आप पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ एफ इजिकल टू 1/2 बाई स्केयर रूट ऑफ एल बाई जी, वो आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इट्स मीन कि जो भी हमारे पास पेंडुलम है जिसकी सर्टन लेंथ है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसको समझें तो आपको ये बताए कि फ्रीक्वेंसी तो होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, या फिर आप ये कहते हैं कि एक बॉडी पर यूनिट टाइम में या किसी कितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है, या फिर हम ये कहते हैं कि आपके पास वन वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय दी टाइम टेकन बाय दी टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन, तो बेसिकली वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो बज़ाहिर तो पेंडुलम अगर रेस्ट पे है तो उसके अंदर आपके जहन में तो यही ख्याल आएगा कि फिर तो वो ऑसिलेट नहीं कर रहा, उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं हो रही, तो फिर भी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। बिल्कुल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, वो ज़ाहिर तब होगी जब आप उसको उसकी मेन पोजिशन से डिसप्लेस करेंगे। तो जब आप उसे उसकी मेन पोजिशन से डिसप्लेस करके छोड़ देंगे, अब आप जब उसको छोड़ दिया है तो आप उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। वैसे तो इस पॉइंट पे अगर आप पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम पे फोर्स लग रही है विच इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसके अलावा टेंशन इन अ स्ट्रिंग, क्योंकि जब हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था तो उस वक्त हमारे पास जो था उसमें हमने देखा था कि हमने वेट लिया था पेंडुलम का और टेंशन इन द स्ट्रिंग ली थी, और उसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, और हमने देखा था कि टेंशन या वेट का एक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और एक कंपोनेंट बच रहा है जिसकी वजह से वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रही है, और उसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स कहा था जो उसकी पोजीशन को ओरिजिनल मेन पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए उसको मूव करा रही है। तो लेकिन उस वक्त हमारे पास ऑब्वियसली फोर्स तो उसके ऊपर है। लाइकवाइज अगर आप मास अटैच टू स्प्रिंग की बात करें, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके पास के रूट ऑफ एम बाई के या के बाई एम जो है आपके पास, वो एम और के पे डिपेंड कर रही है, मतलब मास अटैच टू स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जब आप उसको डिसप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम द मेन पोजिशन तो वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगी, वो फाइंड करने के लिए आप वो वाला रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि अगर आपको सर्टन पेंडुलम के लेंथ पता हो, या फिर हमें मास अटैच्ड टू स्प्रिंग में हमें मास पता हो स्प्रिंग का और स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन से डिसप्लेस करेंगे, ठीक है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ से मुराद ये है कि आप कॉन्टीन्यूसली जो है उसके ऊपर, जैसे मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है तो अगर आप उस कॉन्स्टेंटली उसको स्ट्रेस कंप्रेस एक्सटर्नली करते रहें, या अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम है तो आप उसे कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर भी फोर्स लगा के, जैसे आप स्विंग पे बैठे हों आप उसे कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करके उसको डिसप्लेस करते जाते हैं, ठीक है। मतलब इन अ सेंस के आप उसे पुश कर रहे होते हैं, अगर कोई पर्सन स्विंग पे बैठा है तो आप उसे पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। तो अगर नहीं हो रही, अगर आप सिर्फ उसको अपनी मेन पोजीशन डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उस पर फोर्स लगाते रहेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर वो वाली जिससे वो ऑसिलेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी ओबियसली चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट डिपेंड्स ओनली इट्स लेंथ व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजीशन। तो आप जैसे पेंडुलम की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप पेंडुलम को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इफ़ द फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड, अब अगर आपने एक दफ़ा डिस्प्लेस करके उसे छोड़ दिया तो उस वक्त जो ऑसिलेट वो कर रहा है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप
वो सब फ्री ऑसिलेशन है, फ्रीली वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं रहे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने लग जाएं तो उस वक्त जो उसकी वाइब्रेशंस हैं वो फ्री नहीं होंगी, बल्कि उनको हम फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहेंगे। सच इज़ वेन द मास ऑफ द पेंडुलम वेन वाइब्रेटिंग इज स्ट्रक रिपीटेडली। तो मतलब अगर आपके पास जो है पेंडुलम के मास को आप कॉन्टीन्यूसली, मतलब आपने लेट्स सपोज उसे डिसप्लेस करा, और फिर जैसे अगर आपको, जैसे मैंने स्विंग की एग्जांपल दी, तो अगर आप किसी को मतलब जैसे हम झूला देना कहते हैं कि दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपने जब उसे एक मेन पोजीशन से डिसप्लेस किया, छोड़ा, तो जब जब वो दोबारा आपकी तरफ झूलता हुआ आएगा उस एक्सट्रीम पोजीशन तक, आप दोबारा से उसे पुश करेंगे, मतलब कॉन्स्टेंटली स्ट्रक करते रहेंगे। तो उस वक्त जो उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हैं अब वो फ्री नहीं है, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वाइब्रेशन ऑफ द फैक्ट्री फ्लोर कॉज बाय द रनिंग ऑफ फैमिली मशीन। कभी आपने घर में काम वगैरह करा रहे हो तो आपने देखा होगा कि मतलब ग्रिल मशीन या इस तरह की कोई और बड़ी मशीन घर के अंदर लगी हो, तो वो मशीन जब मूव करती है तो उनके अंदर ऑब्वियसली वो मूव मतलब बेसिकली बिजली से जब वो चलती हैं वो मशीनें थोड़ी सी वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। तो जिस फ्लोर वगैरह पे या जिस जगह पे, टेबल पे या जिस जगह उनको रखा जाता है, वो भी साथ वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब वैसे नॉर्मली तो वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन जो आपने उसके साथ मशीन अटैच की हुई है फ्लोर के साथ या टेबल के साथ, वो वाइब्रेट कर रही है और उसकी वजह से वो चीज़ भी वाइब्रेट करने लग गई है। तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन होती हैं। और एक और एग्जांपल जो फोर्स्ड वाइब्रेशन की है कि लाउड म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड बाय साउंडिंग वुडन बोर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपके पास जो है किसी भी जगह अगर आपने जो है वो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे अगर आप गिटार वगैरह की बात कर लें, ठीक है, या फिर अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर हिट करें, ठीक है, तो आप कॉन्टीन्यूसली जो है जब हिट करते रहते हैं तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, या आप गिटार को कॉन्टीन्यूसली प्लग कर रहे होते हैं उसके स्ट्रिंग्स को, तो आपके पास जो है वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये सब बेसिकली वो साउंड वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और वो वाइब्रेशंस जो है हमारे पास फोर्स्ड वाइब्रेशंस। अब जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे इस रेजोनेंस पढ़ते हैं। अच्छा, रेजोनेंस के लिए हमें क्या, अब रेजोनेंस बेसिकली ऐसी चीज़ है जो हमने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई है, बट हमें पता नहीं है कि इसका नाम रेजोनेंस होता है। तो व्हेन अ स्विंग इज़ वाइब्रेटिंग, जैसे स्विंग की मैंने पहले भी एग्जांपल दी, जब स्विंग वाइब्रेट कर रहा होता है तो हमारा दिल करता है जो झूला, जब स्विंग जो झूला होता है बेसिकली वो जब होता है तो आपका दिल होता है कि आप उसको और ऊपर लेके जाएं, उसके एम्पलीट्यूड को और इंक्रीज़ करें। तो उसमें समटाइम्स तो जो लोग थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं वो जब बैठते हैं तो वो ऊपर नीचे जब झूला जा रहा होता है तो वो अपनी बॉडी की मोशंस को चेंज करते रहते हैं, जिसके हिसाब से जो है वो एम्पलीट्यूड भी उसका चेंज होता जाता है, उस हिसाब से वो ऊपर नीचे जाता जाता है। जिन्होंने जो झूला लेते रहे हैं उनको अच्छे से इस बात की समझ आ सकती है। इसके अलावा एक तरीका ये होता है, इसके अलावा मतलब इस तरीके, एक तो बॉडी के मोशन से भी ऑब्वियसली आप उसके एम्पलीट्यूड को इनक्रीज़ करें तो ऑब्वियसली आप उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करें। इसके अलावा जैसे कुछ सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, सस्पेंशन ब्रिज मतलब जो ब्रिज थोड़े लटके, मतलब ऐसे एक जगह नहीं होते, जो सस्पेंडेड हुए हुए होते हैं, लटके होते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है जनरल पब्लिक या फिर कोई आर्मी ट्रूप्स वगैरह, क्योंकि आर्मी ट्रूप्स मोस्टली जब ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा एक सिंक्रोनाइज किस्म की उनकी वॉक होती है, वो प्रॉपर स्टेप्स ले रहे होते हैं और एक साथ पांव उठाते हैं रखते हैं, तो उनकी एक थोड़ी रेगुलर पैटर्न होता है मोशन का। तो उनको कहा जाता है कि आप जब उधर से मूव करें तो आप इस तरह से इन पैटर्न्स के अंदर, या एक जिस तरह के नॉर्मल आप लोग मूव करते हैं कि जब आपकी कोई वॉक होती है तो आप सिंपल एक पैटर्न जो है वो आप फॉलो कर रहे होते हैं, और आप जो है उसमें अपने एक प्रॉपरली स्टेप ले रहे होते हैं हर रेगुलर इंटरवल के बाद, उस तरीके से आप ना लें, आप जो है वो मार्च करके, जैसे नॉर्मल मार्च करना होता है ना, जैसे हम कहते हैं मार्च करने का ये मतलब होता है वो जो परेड टाइप होती है वो करके ब्रिज क्रॉस ना करें। उसका रीज़न ये होता है कि जब आपकी वो जो पीरियोडिक मोशन होती है ना, उसकी वजह से एक पीरियोडिक इम्पल्स क्रिएट होते हैं रेगुलर स्टेप्स की वजह से, वो जब पीरियोडिक पल्स जो है, इम्पल्स जो है वो ब्रिज रिसीव करता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है, जो मतलब पल्स आपकी मोशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड है कि मतलब कितने टाइम बाद पल्स क्रिएट हो रहा है, अगर वो टाइम पीरियड
जो है उन पल्सेस का, वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड के साथ या नेचुरल टाइम पीरियड के साथ ब्रिज के मैच कर जाए, तो उस टाइम पे एकदम से ब्रिज जो है ना वो बहुत हायर एम्पलीट्यूड के साथ जो है ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और जब किसी बहुत रिजिड चीज़ के अंदर हायर एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस होती हैं तो वो यूजुअली ब्रेक कर जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है। दिस एग्जाम्पल शो दैट देर इज़ ऑलवेज अ मार्क्ड इंक्रीज इन एन एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि जब भी आपके पास एक्सटर्नल जो सोर्स है उसकी जो भी वाइब्रेशन उसके अंदर अगर हो रही है, अगर वो कहीं वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है या कहीं प्रॉपरली आप किसी चीज़ को एक कॉन्स्टेंटली स्ट्रक कर रहे हैं या कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पीरियोडिकली फोर्स अप्लाई करें किसी चीज़ के ऊपर, और अगर वो जो उनका टाइम पीरियड है वाइब्रेशन का एक्सटर्नल फोर्स या सोर्स से जो आपके पास एम वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो उनकी आपके पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी जिस भी बॉडी पे वो अप्लाई हो रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। और उस पॉइंट उस पॉइंट को हम कहते हैं यहाँ पे, अब आप उस फिनोमिना या उस प्रोसेस को हम ये कहते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। तो और ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट उसी फ्रीक्वेंसी पे हो, अगर उस फ्रीक्वेंसी का कोई इंटीग्रल मल्टीपल भी है, सपोज किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है और उसके ऊपर जो आप एक्सटर्नली सोर्स से जो उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ रही है उनका जो टाइम पीरियड है वो भी अगर 2 हर्ट्स है तो रेजोनेंस होगी। लेकिन अगर 2 हर्ट का कोई मल्टीपल भी होगा तो, या फिर अगर आपके पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉडी की, जैसे मैंने कहा अगर वो स्मॉल एफ है, तो अगर वो 2 हर्ट्स है स्मॉल एफ, तो अगर आप 4 हर्ट्स 6 हर्ट 8 हर्ट्स मतलब 2 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल भी अगर आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी हुई एक्सटर्नल सोर्स की तो भी आपके पास रेजोनेंस हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की एफ है तो एफ का 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कितने भी टाइम्स उसका मल्टीपल जो है उसमें से किसी भी मल्टीपल के इक्विवेलेंट अगर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी हुई तो आपके पास रेजोनेंस हो जाएगी। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश की। अगर आप देखें तो एक रॉड है, उसके साथ इन्होंने कुछ पेंडुलम हैंग किए हुए हैं, ए बी की एक लेंथ है, सी डी की एक लेंथ है और ये इनकी लेंथ फिक्स है। जो हमारा ई पेंडुलम है उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है, वो कभी कम हो के एल पॉइंट तक जा सकता है, मतलब जब वो एल पॉइंट तक आप उसे लेके जाएंगे यहाँ पे अगर आप देखें फिगर को, तो उस वक्त जो उसकी लेंथ होगी वो ए और बी के बराबर होगी, और जब आप उसे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो ई लेंथ तक चला जाएगा, तो उस वक्त जो उसकी लेंथ होगी वो सी और डी के इक्विवेलेंट होगी। मतलब जो आप बस लेफ्ट से जो पहला पेंडुलम है उस पेंडुलम की लेंथ चेंज कर सकते हैं आप, तो वो ए और बी के बराबर भी कर सकते हैं और सी और डी के बराबर भी कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो हमारे पास ए और बी पेंडुलम है उनकी लेंथ को इन्होंने एल कह दिया स्मॉल एल, और जो सी और डी के पेंडुलम है उनकी लेंथ को इन्होंने कैपिटल एल कह दिया। अब क्या होगा कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे पास फिफ्थ पेंडुलम है या फिर हमारे पास जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट पेंडुलम है उसकी लेंथ को इन्होंने सी और डी पेंडुलम की लेंथ के इक्वल करके मतलब ई तक ले गए उसे, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि उसको उन्होंने मूव किया, ठीक है, डिसप्लेस किया फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो अब वो ऐसे हैंग है ना, ठीक है। तो आपने इसको परपेंडिकुलरली डिसप्लेस किया, परपेंडिकुलरली का मतलब ये है कि जैसे आउटवर्ड टू द पेज, ठीक है, अब आपकी तरफ, ठीक है, इस तरह से नहीं किया, ठीक है, ऐसे नहीं किया बल्कि आउट ऑफ द पेज अपनी तरफ करके ना इसे डिसप्लेस किया, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो वो तो बाकी पेंडुलम के साथ जाके टकराएगा। तो जब इसको हमने परपेंडिकुलर टू द पेज हमने जो है वो हमने इसको वाइब्रेट किया, डिसप्लेस किया बेसिकली अपनी मेन पोजीशन से, बस छोड़ दिया, उसके बाद ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने लग गया। अब ऑब्वियसली जो पेंडुलम था जब उसकी लेंथ ई थी तो उस वक्त उसकी ई लेंथ तक जब वो था
तो उस वक्त उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी ऑब्वियसली वो अपनी सेम लेंथ के दूसरे पेंडुलम्स जो है सी एंड डी उनके साथ मैच कर रही होगी ना, बिकॉज जो है वो सिर्फ डिफरेंस ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करती है। आपने एक को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया वो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने लग गया, सी और डी के जब भी आपने डिस्प्लेस नहीं किया लेकिन उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो तो फिक्स है, जब उसे आप ऑसिलेट डिस्प्लेस करेंगे तो वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा जिससे ई ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन आपको जो रेजोनेंस समझाने के लिए बताया कि उन्होंने डिस्प्लेस सिर्फ ई को किया और वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने लग गया। अब जो ई की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वही एक्चुअली सी और डी की भी है बिकॉज उनकी लेंथ सेम है। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सी और डी ऑसिलेट करना शुरू हो गया। अब उसका रीज़न क्या है, हालांकि सी और डी को तो आपने डिस्प्लेस नहीं किया लेकिन जो आपने ई पेंडुलम था वो जब वाइब्रेट कर रहा था उसकी वाइब्रेशन जो हैं ओबियसली वो रॉड जिन्होंने जिसके साथ ये अटैच हैं वहाँ पे भी वो जा रही थी वाइब्रेशंस। तो इन वाइब्रेशंस की वही टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी था जो कि आपके पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी है सी एंड डी की, बिकॉज वो वाइब्रेशन कहाँ से आई थी, ई पेंडुलम से आई थी ना, और ई पेंडुलम की लेंथ वही है जो सी और डी की है। तो ई पेंडुलम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है वो वही है जो सी और डी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे ई पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी जो है वो सी और डी की ना, अब यहाँ पे ई जो है वो एज अ फोर्स्ड बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ई की जो फ्रिक्वेंसी है वो सी और डी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रही है, और जब दो एक एक्सटर्नल जो आपके पास सोर्स होता है उसकी फ्रिक्वेंसी किसी बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो वहाँ पर रेजोनेंस होती है। तो इस केस में जो आपके पास पेंडुलम के मूव करने की वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है इन अ रॉड जिसके साथ ये सब अटैच हैं उन वाइब्रेशन का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सी और डी के पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया, तो इसलिए ये दोनों जो है इनके अंदर क्या होगी, रेजोनेंस हो जाएगी। जब रेजोनेंस होती है तो बॉडी हायर एम्पलीट्यूड के साथ मूव करना शुरू कर देती है। तो इन पर डायरेक्ट हालांकि कोई फोर्स नहीं लगी लेकिन ये जो है वो क्या करेंगे, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे। ए एंड बी नहीं करेगा क्योंकि उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, सी और डी ही करेंगे। तो अगर आप इनकी लेंथ को छोटा कर दें, एल यहाँ पे अगर आपने यहाँ तक ले गए, ठीक है यहाँ तक आप इसको ले गए, तो अब इसकी जो लेंथ है वो ए और बी के बराबर हो गई। तो इस वक्त जब आप इसे डिस्प्लेस करेंगे तो इस पॉइंट पे अब जो ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, अब वो फ्रीक्वेंसी क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ए और बी की, तो वही केस होगा कि जब आपके पास अब शॉर्ट वाला पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उन वाइब्रेशंस की वजह से आपके पास वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्योंकि आपके पास ए और बी पेंडुलम के नेचुरल टाइम पीरियड के साथ मैच कर जाएगा तो वहाँ पे भी आपके पास क्या होगी, रेजोनेंस हो जाएगी और सी और डी उस पॉइंट पे रेस्ट पे रहेंगे और जो है वो आपके पास ए और बी जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ से पता चला कि इस तरीके से रेजोनेंस काम करती है। इसके अलावा आपके पास जो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन इन्होंने एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं जहाँ पे बेसिकली डेली लाइफ के अंदर रेजोनेंस यूज़ हो रहा है। तो उसमें एक है रेडियो एंड रेजोनेंस, ठीक है। रेडियो एंड रेजोनेंस पे बेसिकली आपके पास क्या है कि आप जब रेडियो जिन्होंने कभी यूज़ किए हों, रेडियो टिपिकल वाले जो रेडियोज़ होते हैं रेडियो को यूज़ किया हो तो आपने देखा हो कि उनकी ट्यूनिंग करने के लिए नॉब को घुमाया जाता है। अब वहाँ पे जो रेडियोज़ होते हैं उनके अंदर आपके पास बेसिकली सर्किट्स होते हैं जो कि नॉर्मली आपके पास आरसी सर्किट होते हैं, मतलब रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स होते लगे हुए होते हैं, ठीक है। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो जब आप नॉब को घुमाते हैं तो स्टेशन कैसे चेंज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनमें कुछ मोशन होती है जिसकी वजह से उनकी कुछ चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की वो रेजिस्टर एंड कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो जब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस चेंज होती है तो उसके हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है।
जब हम नॉब घुमाते हैं तो एक्चुअली हम उनके रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ी कर रहे होते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही होती है। तो वो सिग्नल्स जो आपके पास इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो ट्रांसमिशन रेडियो स्टेशन से आ रहे हैं, ठीक है, तो जो उन सिग्नल्स के भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है। तो जब भी कोई सिग्नल्स जो आपके पास ट्रांसमिशन सिग्नल्स हैं उनके रेडियो स्टेशन से जो आए हैं, उनमें से किसी की फ्रिक्वेंसी जब आप ट्यूनिंग कर रहे हैं, जब आप नॉब घुमा रहे हैं, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है रेडियो के अंदर, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो जब भी वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं रेडियो के अंदर, उनमें से उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास एक्सटर्नली मौजूद जो ट्रांसमिशन वेव्स हैं उनमें से किसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो वो उन्हें कैच कर लेता है, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है उस टाइम पे। वो एनर्जीज दोनों वेव्स आपस में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन करती हैं, और इस तरह से वो हमें स्टेशन सुनाई देना शुरू कर देता है। इसके अलावा ने आपने हॉस्पिटल में एमआरआई का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बेसिकली एक स्कैनिंग है जिससे आप बहुत सारे मेडिकल जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी अंदर की बॉडी के अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उनके उनके इमेजेस जो है वो इससे मिल जाते हैं, जो कि आप ऑब्वियसली बाज़ार से जज नहीं कर सकते। तो उनका काम क्या होता है, उनका जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि उसके अंदर इसी तरह एक रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का मतलब यह है कि बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, उनमें रेडियो वेव्स भी होती हैं, एक वेव्स होती हैं जिनका नाम रेडियो वेव्स होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, डिफरेंट रीजन्स के अंदर अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, मतलब बेसिकली आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं वेव्स की डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ। तो रेडियो वेव्स भी एक वेव्स है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। वो क्या करते हैं, जिस बॉडी के ऊपर वो फॉल करते हैं, उस बॉडी के अंदर जो एटम होते हैं, उन एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, वो उस न्यूक्लियाई को जाके ऑसिलेट करते हैं, मतलब उनको हिट करता है, तो वहाँ पे आपके पास बेसिकली रेजोनेंस होती है। जब रेजोनेंस होती है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो जाती है बाय द मॉलिक्यूल, जो भी आपके पास बॉडी है जिसके ऊपर आपने रेडिएशन को फॉल किया, तो उन रेडिएशंस वो उस बॉडी के एटम जो है वो उस पॉइंट पे रेजोनेंस इस पॉइंट पे होते हैं उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है, तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई मसला होता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली और डिफरेंट एनर्जीज एब्जॉर्ब होती हैं, जहाँ जो जगह ठीक होती है वहाँ पे थोड़ा और तरह से एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो जो इमेज बनता है फिर फाइनल उसमें वो डिफरेंस पता चल जाता है। तो अगर कहीं मसला होता है तो वो फिर डिटेक्ट हो जाता है कि अच्छा यहाँ का जो इमेज है, क्योंकि वो जो बेसिकली इमेज आता है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे डिफरेंट कलर्स आते हैं आपके पास, तो उससे अच्छा समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे कलर चेंज है, तो इस मीन के यहाँ पे ये मसला है या ये ठीक है या कुछ इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो वो जो पैटर्न एनर्जी एब्जॉर्प्शन का है ना, उसको हम जो है यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करके आप एक फ़ोटोग्राफ सी बनाते हैं जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन इतनी है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से वो आपको जो ऑब्वियसली उनके एक्सपर्ट होते हैं वो रीड करके आपको बता देते हैं कि अच्छा या इतनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन अगर किसी जगह हो रही है तो उसका क्या क्या मतलब है। इसके अलावा जो आप लोग डेली लाइफ में करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड है, माइक्रोवेव के अंदर खाना बनाना या फिर गर्म भी करना है, जो भी आप डेली लाइफ में करते हैं, माइक्रोवेव जो है तो उनमें जो आपके पास वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास वाटर या फैट मॉलिक्यूल जो नॉर्मली फूड के अंदर होते हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी होती है। जो भी फूड जिसके अंदर वाटर, ओबियसली पानी ज़रूरी नहीं आप एक्सटर्नली डालें, हर अगर जो चीज़ कुक करें, नॉर्मली चिकन वगैरह लोग कुक कर रहे होते हैं वो जिस तरह, तो उनके अंदर नेचुरली भी वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं या फैट वगैरह होती है, ठीक है।
तो जब भी कोई फूड जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हो उसको ओवन में रखा जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वो जो माइक्रोवेव्स यूज़ हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी जब उन दोनों मैच करती है तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगी तो ऑब्वियसली हीटिंग होगी और वो चीज़ कुक हो जाएगी। जो ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं उनको अगर आप डायरेक्टली रख दें तो वो हीटअप नहीं होते, इसलिए ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर को अगर आप रखें तो वो हीटअप नहीं होते बिकॉज़ उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते, तो उनके अंदर रेजोनेंस नहीं होती और हीटिंग नहीं होती और वो फिर हीटअप नहीं होते। ठीक है, तो ये एक हमारे पास डेली लाइफ से भी हमारे पास एक एग्जांपल हो गई। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।